नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नाइन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राशि और चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बच्चों और गर्भवतियों को पोषण आहार में अंडा देने के प्रस्ताव को किया गया मंजूर, जो अंडा नहीं खाएंगे उन्हें दिया जाएगा फल। रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य बनाई गई प्रज्ञा ठाकुर, कांग्रेस ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गए 42 लाख हेक्टेयर की जमीन, सभी तहसीलदारों को पत्र लिखकर 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा डाय जाने के खिलाफ याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा 25,000 का जुर्माना। 5 वक्त की नमाजी 35 वर्षों से भक्तों को सुना रहे हैं रामकथा, बन गए फारूक रामायण। 1 दिसंबर से टोल नाके होंगे कैश फ्री, बिना फास्टैग वाली गाड़ियों की हाईवे पर नो एंट्री। अमित शाह का बड़ा हमला, बोले कांग्रेस नहीं चलने देती थी अयोध्या विवाद का केस। सरकारी इमारतों पर लगेंगे मोबाइल टावर, कमलनाथ सरकार ने बदला कानून। ओरछा पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, के माता पिता बुंदेली विरासत देख हुए खुश। आंगनबाड़ियों पर सरकार की नजर, ग्रेडिंग के जरिए किया जाएगा काम का आकलन। 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए बीएसएनएल ने शुरू की बीआरएस स्कीम। सरकार दुल्हनों को देगी गिफ्ट में गोल्ड, कराना होगा विवाह का रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए सेक्युलर बनने को तैयार शिवसेना, कल सरकार गठन पर फैसला संभव। कोलकाता में हुई नोटों की बारिश, मौजूद लोगों ने खुशी के मारे उठाए नोट। अपने बर्थडे पर सलमान खान को मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज, दोबारा बनेंगे मामा। आंद्रे रसेल ने विराट कोहली को बताया अद्भुत, कहा मुझसे ज्यादा क्लासिक है वो। महिला क्रिकेट मैच में भारत ने आखिरी T20 में विंडीज को पीटा, क्लीन स्वीप की सीरीज। विराट ने पिंक बॉल टेस्ट को माना चुनौती, पर कहा बहुत उत्साहित भी हैं हम। 13 साल के प्रेम ने किया नेत्रहीन लोगों के लिए आविष्कार, सेंसर युक्त कैप और जूते टी शर्ट बनाए, सामने चीजें आने पर होते हैं वाइब्रेट। पेटीएम ने जारी की केवाईसी वार्निंग, केवाईसी और अकाउंट ब्लॉक होने को लेकर आने वाले फ्रॉड मैसेजेस और कॉल से सतर्क रहने की कही बात। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिकेंगी 5 सरकारी कंपनियां। वायु प्रदूषण मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह, प्रदूषण से होने वाली बीमारी को कवर करने वाला स्वास्थ्य बीमा का मुद्दा जरूरी। बायोटेक्नोलॉजी पर दिल्ली में हो रहा 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन, सम्मेलन में 30 देशों के करीब 3,000 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। दिल्ली पुलिस नकली जीरा बनाने वाले एक गिरोह का खुलासा, 19,500 किलो नकली जीरा जब्त। और यूपी राज्य कानून आयोग का धर्मांतरण को रोकने के लिए कदम, राज्य में कानून बनाने की सिफारिश की। फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही, बने रहिए रेड 9 के साथ।